नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रमोशन के दौरान दिखा अजय और तब्बू का प्यार। अजय देवगन और तब्बू पिछले कुछ साल से साथ नजर आ रहे हैं, दोनों शूटिंग फिल्म और अब प्रमोशन में नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तब से दोनों की अच्छी दोस्ती है। दरअसल अजय देवगन इन दिनों फिल्म देते प्यार दे के प्रमोशन में व्यस्त है। इस फिल्म में उनके साथ तब्बू और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में नजर आएंगे। प्रमोशन के दौरान तीनों हर जगह नजर आ रहे हैं। हाल ही में ये टीम सिद्धार्थ के शो में नजर आई, जिसमें अजय देवगन और तब्बू की जुगलबंदी ज्यादा देखने को मिली। हैरानी तब हुई जब तब्बू ने अजय के हाथों से कॉफी का जूठा मग लेकर पी, वही थोड़ी देर बाद उसी कॉफी को अजय दोबारा पीते दिखे। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोनों की दोस्ती में दोस्ती वाला प्यार भी देखने को मिला। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या तब्बू और अजय के इस हरकत के बाद काजोल को इन दोनों पर गुस्सा आएगा? शो के दौरान अजय तब्बू कई बार एक दूसरे के साइड लेते हुए भी नजर आए। सलमान का बड़ा खुलासा, ऐश्वर्या कैटरीना नहीं, इस एक्ट्रेस से प्यार में पागल थे सलमान। सलमान का बड़ा खुलासा, ऐश्वर्या कैटरीना नहीं, इस एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे सलमान। सलमान खान बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जिसके नाम से फिल्म हिट और फ्लॉप की गारंटी रखती है। सलमान खान को उनके फैंस काफी पसंद करते हैं, वह कुछ भी करे सुर्खियों में छाए रहते हैं। इन दिनों सलमान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान ने कहा है कि एक समय वह बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जूही के पिता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। वीडियो में आगे सलमान खान ने कहा कि जूही बहुत स्वीट है, मैं उनके पिता से उनका हाथ मांगने गया था, लेकिन उनके पिता नहीं माने। सलमान ने जूही के पिता के बारे में कहा था कि पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। सलमान की फिल्म की बातें करें तो सलमान अपनी आने वाली फिल्म भारत में नजर आएंगे, जो इस साल ईद के दिन रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके अपोजिट दिशा पठानी नजर आएगी। आमिर खान ने सनी लियोनी को किया विश, फैंस ने उन्हें किया बुरी तरह ट्रोल्स। एक वक्त पॉर्न स्टार रही बॉलीवुड स्टार सनी लियोनी ने हाल ही में अपना बर्थडे मनाया, वह 38 साल की हो गई। पॉर्न इंडस्ट्री से बॉलीवुड करियर तक की संघर्ष पूरी जर्नी में सनी लियोनी ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है। सनी लियोनी एक बेहतरीन इंसान है, जो बिंदास लेकिन कुल स्वभाव के लिए भी जानी जाती है। सनी लियोनी ने अपना जन्मदिन पति डैनियल बेवर, अपने बच्चों निशा, नोआ एवं ऐशर के साथ मनाया। इस दौरान डैनियल ने सनी के लिए एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने पत्नी सनी लियोनी को दुनिया की सबसे सेक्सी महिला बताया। यहां तब सब ठीक था, लेकिन बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में शुमार आमिर खान ने जब सनी को बर्थडे विश किया, इसके बाद सोशल मीडिया का पूरा माहौल ही बदल गया। दरअसल आमिर खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ ही साथ ट्विटर पर भी सनी को विश किया। आमिर ने सोचा भी नहीं होगा कि सनी को शुभकामनाएं देने के चलते वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड रहने लगेंगे। जन्मदिन पर बधाई देने के बाद कई लोग आमिर खान को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर्स ने आमिर खान को सलाम की दुहाई देते हुए बर्थडे विश को हराम बताया। एक यूजर्स ने आमिर से सवाल पूछा, सर किस लाइन में आ गए हैं आप? वैसे ज्यादातर लोगों ने सनी लियोनी को बधाई देने के लिए आमिर खान की तारीफ की है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।